है कि वहाँ पे ऑलरेडी टीम होती है, फिर उनके साथ जब फाइट करने जाते हैं तो हमारी टीम एलिमिनेट हो जाती है। और यहाँ पे टीम सिक्स थोड़ा मुझे लग रहा है रश करने के ऊपर आ गई और टीम 24 के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, डाउन कर दिया टीम 24। दूसरे बंदे सीधा ही क्लोज इन किया, किल समझे आई थिंक सो दिखाई है उस मारे क्यों नहीं, ओह शिट शिट ये कैसे हुआ, बहुत ही बढ़िया। बाद में इवोक ने पीछे से कवर फायर दे दिया, स्पॉट कर लिया था बहुत सेव। और यहां पे 24 का एस का किल शॉट अकेला बचा है यहां पे, देखते क्या वो अपने टीममेट्स को यहां बचाने की कोशिश करेगा। यहां पे पीछे पूरा फॉल बैक कर जाएगा, ओके किल शॉट को भी यहां पे एक दो शॉट पड़े, जैसे जैसे करके वो वहां पे कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, टीपी भी ले रहा पूरा। और यहां पे डेड शॉट पूरा जंप करते करते देख रहा है कि मतलब बंदा क्या, और यहां पे किल शॉट तो वेट कर रहा हो कोई बंदा ओपन में। और यहाँ पे जैसे उसने डेड शॉट को ओपन में देखा, स्प्रे करा, बट यहाँ पे उसको स्प्रे नहीं लगा। और यहाँ पे आप स्पॉट हो चुका है किल शॉट, यहाँ पे जैसे देख सके राइट लेफ्ट दोनों तरफ से यहाँ पे बंदे आते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा उसने ट्राई किया था, ट्राई हार्ड काफी अच्छा था उसने, किल सम को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, बट इन दी एंड हील भी हो चुके हैं इनके जो साइको के जिसकी। और यहाँ पे टीम डब्ल्यू एन एम मॉन्क को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया ए डब्ल्यू एम से, बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा खेले थे। और इंसान के बंदे रश कैसे करना है वो जानते अच्छे से, और उन्होंने अभी फिलहाल टीम नंबर 14 के बंदे को नॉक किया। और देखने लायक होगा कि वो कैसे रश करते हैं। और टीम नंबर 6 का एक बंदा आगे आया है, वो शायद देखने आया है, और पीछे पीछे दूसरा एक बंदा सपोर्टिंग में, और पूरी टीम रश करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। और क्या वो टीम नंबर 14 की मॉम को पूरा फिनिश कर दिया है, और टीम नंबर 14 अभी बहुत ही इंसेन के मतलब क्या वाइड रोटेशन है इनका, मतलब ये नहीं कि चारों बंदे एक ही लाइन और साइड से आ रहे हो, चारों बंदे अच्छे से रोटेट करते हैं। यहाँ पे स्टन ग्रेनेड से यहाँ पे बेट करने की कोशिश कर रहे थे टीम डब्ल्यू एन एम के बंदे, पर टीम डब्ल्यू एन एम के बंदे के पीछे पूरा घर के पीछे इसको पता नहीं था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टीम इंसेन के बंदे डब्ल्यू एन एम के साइको को डाउन करते, एक अकेला बंदा बचा है यहाँ पे मिथ, एक मिथ का यहाँ पे 1v4 सिचुएशन। और यहाँ पे क्राउड से शूट करने की अच्छी ट्राई थी, बट सामने से ईवो जाना है, सारी टीम्स को यहाँ पे जोन के रोटेट करना है, बट टीम इंसेन के पास यहाँ पे एक एडवांटेज उनके पास अच्छे खासे रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कार से लेके जा रहे लॉर्ड के बंदे, और यहाँ पे लॉर्ड के बंदे ने किल्स को बहुत ही बढ़िया, दो बंदे एक साथ, और लॉर्ड का एक बंदा भी गाड़ी में डाउन हो जाए, लॉर्ड के दो बंदे डाउन हो जाए, जल्दी से वहाँ पे किल कंफर्म भी कर लेंगे। और यहाँ पे स्मोक का पूरा एलिमिनेट हो चुके हैं वहां पे पीछे से। F4 सैम को भी पीछे से जोन के लिए आना पड़ेगा। और लेफ्ट में अगर देखो लेफ्ट में टीम बी आई के बंदे लेफ्ट में रिच से आ रहे हैं, और नीचे देख सकते हो टीम नंबर 21 जिंक्स का जो लाइनअप है वो वहाँ पे कंपाउंड में होल्ड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पे टीम इंसेन से, टीम इंसेन यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोजिंग करिए, बट इनका थोड़ा दिक्कत हो सकती है पूरे एकदम ओपन में जा रहा है, और आगे तो इनके पास रेज भी नहीं है। तो स्मोक प्लांट जैसे मैंने कहा था स्मोक प्लांट पूरा होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे टीम बी आई हर्ष को स्पॉट कर लिया, हर्ष को यहाँ पे एक शॉट पड़ा है, और यहाँ पे डेड शॉट को भी पूरा कॉल मिल गया कि भाई वहाँ पे एक बंदा है। और डेड शॉट के यहाँ पे दूसरी तरफ से कहीं से शॉट पड़ते हुए, बट यहाँ पे जल्दी से वो प्रोन हो गया और इजीली वहाँ पे थोड़ा बहुत बच सके। यहाँ पे इंसेन ईवोक का पूरा ब्लाइंड स्प्रे आता हुआ कि मतलब कहीं भी अगर स्प्रे आ गया तो पूरा कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इन्होंने पूरा स्मोक स्पैम कर दिया था एकदम जिंक्स के पास पहुंचने का, बट इनको जैसे ही पता चला लेफ्ट में भी एक स्क्वाड है तो ये कुछ ब्लाइंड रश नहीं, काफी अच्छा ब्रेव डिसीजन था, मतलब बेफालतू में नाराज करके यहाँ पे पीछे वेट करके। बीआई का हर्ष अकेला बनता है पीछे से पूरा इंसेंस खा सकता है अगर उसको पीछे अनदेखा कर दिया। यहाँ पे जैसे देखें इंसेंस स्नाइप से बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एम4 स्प्रे देके जिंक्स के एक बंदे को डाउन कर दिया है, इंसेंस स्नाइप ने एक और बंदे को डाउन कर दिया। यहाँ पे अगर पीछे देखो हर्ष वहां से गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जल्दी से डेड शॉट अपने लिए खुद ही गाड़ी फोड़ देगा ताकि मतलब गाड़ी का डैमेज ना पड़े। और नंबर 6 के लिए अगर कोई गाड़ी फोड़ेगा तो टीम नंबर 9 ही पड़ेगा, नेट करने की कोशिश कर, अगर ये नेट कनेक्ट हो गया टीम इंसेन के ऊपर, बहुत ही अच्छा नेट डाला था और नेट कनेक्ट हुआ था, बट इंसेन ईवो का डाउन हुआ, बट यहाँ पे डेड शॉट को बहुत ही अच्छे कवर फायर आते हैं, और बीआई का सुपरमैन को भी डाउन करके उसको भी मार दिया, तो बीआई एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखो तो दो ही टीम बची यहाँ पे, टीम नंबर 21 टीम नंबर 6 इंसेन साइंस ने क्या गेम प्ले निकाला है, बहुत ही बड़ा गेम।